अस्सलाम वालेकुम। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का हम डिस्कस कर रहे थे। आज जो चीज़ हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में डिस्कस करने लगे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है पैकिंग ऑफ कॉलम, कि कॉलम की पैकिंग किस तरह करनी है। चलिए ये देख लेते हैं, बड़ा इजी तरीका का आ रहा है। पैकिंग ऑफ कॉलम्स इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पैकिंग ऑफ कॉलम इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इन कॉलम क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और हमारे अगर लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके हवाले से भी काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अ कॉलम, आपने कॉलम को तैयार किस तरह करना है। सबसे पहली चीज़ आ जाएगी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ कॉलम, कॉलम की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, यह चीज हमारे पास आ जाएगी। चले, कॉलम हमारे पास होता है, पहले नंबर पे याद रखिए कॉलम किन किन चीजों का हो सकता है। कॉलम आपको बनाना चाहिए ऐसी चीजों का जो कि इनर्ट हो, यानी कि किसी भी चीज के साथ रिएक्शन ना कर सकती हो। सही है, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं यहाँ पे कॉलम बना रहा था, मैं कहता ये मेरे पास एक कॉलम है, अब इसकी देख लेंगे, साथ साथ बातें लिखते भी जाएंगे, साथ साथ देखते भी जाएंगे कि क्या क्या काम करना पड़ता है। ये मेरे पास एक कॉलम है, कॉलम के नीचे की तरफ आपके पास इस तरह का होता है, यहाँ पर एक प्लग लगा होता है। और याद रखिएगा ये जो कॉलम होता है इसको ये बना हो सकता है, कॉलम किन किन चीज़ों का बना हो सकता है, मैं दो चीज़ों का नाम लिख देता हूँ। या तो ये ग्लास का बना हो सकता है, अमूमन हम जो यूज़ कर रहे थे वो ग्लास का होता है, या फिर स्टेनलेस स्टील का भी बना हो सकता है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का भी बना हो सकता है। ये दो चीज़ों का हम अमूमन बना हुआ कॉलम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लैब के अंदर जो हम इस्तेमाल कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ ग्लास का बना होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लास का बना होगा। इसके यहाँ पर होगा एक प्लग, प्लग कह लें या इसको स्टॉपर भी कहते हैं बाज़ दफ़ा। ये हमारे पास क्या है, प्लग, जो क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करेगा। ये हमारे पास क्या है, प्लग, प्लग, या फिर इसको हम स्टॉपर का भी नाम दे सकते हैं, स्टॉपर का भी नाम दे सकता है। अगर कॉलम आपने देखना हो तो जो ब्यूरेट हम इस्तेमाल करते हैं लैब के अंदर टाइट्रेशन के लिए, उसको भी बाज़ दफ़ा हम कॉलम एज अ कॉलम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये प्लग काम क्या करता है, प्लग कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लो, कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो। प्लग यही समझ लें जैसे घरों में पानी की टूटी लगी होती है ना टैप, अब उसको टर्न करके पानी का रेट कम कर सकते हैं, पानी ज़्यादा है या कम है वो अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। सेम काम यहाँ पे इसका होता है, अब इसको टर्न करके ऊपर से सॉल्वेंट आपका ज़्यादा मिकदार में चाहिए या कम मिकदार में है, इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसकी पैकिंग में जो सबसे पहला काम होता है, कॉलम ले लेना है, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है, आपने रुई लेनी है, कॉटन प्लग कहते हैं, रुई लेके आपने इसको यहाँ पे प्लेस करना है। छोटा सा रुई का फफूंदा सा लेके ना आपने उसको यहाँ पर रख देना है, सही है। और ये हमारे पास क्या होगा, कॉटन प्लग, कॉटन प्लग। अच्छा, इस कॉटन प्लग का काम क्या होगा, जो ऊपर हम स्टेशनरी फेज का इस्तेमाल करेंगे वो आपकी इस कॉटन प्लग में से पास नहीं होगी, यानी कि बाद दफा ऐसा होता है कि आप टैप को ओपन करेंगे कॉटन प्लग नहीं प्लेस किया होगा, स्टेशनरी फेज होती बिल्कुल रेत की तरह, वो रेत भी नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाती है। इसे हम क्या करते हैं, कॉटन प्लग को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आपकी स्टेशनरी फेज नीचे की तरफ मूव ना करें। अब सबसे पहला काम क्या है कि यही बात साथ साथ लिखते जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रीपेयर, अगर आप तैयार करना चाहते हैं टू प्रीपेयर द कॉलम, अगर कॉलम को तैयार करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस, आपने रख देना है प्लेस द कॉटन प्लग, कॉटन प्लग एट द बॉटम ऑफ कॉलम, एट द बॉटम, बॉटम कहते हैं पैंदे को, बिल्कुल नीचे रख देना है, बॉटम ऑफ कॉलम। लो जी, ये पहला काम हमने कर दिया। अब इसके बाद हमने करना ये होता है कि एसिड वॉश्ड सैंड लेनी होती है, लेनी होती है। एसिड वॉश सैंड कौन सी होती है, ये नॉर्मल सैंड नहीं होती, ये ऐसी सैंड होती है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज ना होने के बराबर होती हैं। आपने एसिड वॉश सैंड लेनी है और इसकी बिल्कुल पतली सी लेयर, बिल्कुल पतली सी लेयर यहाँ पर चढ़ा देनी है। और आपने जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये है
कि ये बिल्कुल ऊपर से हमवार हो, बिल्कुल एक लेवल में हो। तो ये क्या हमारे पास एसिड वॉश्ड, एसिड वॉश्ड सैंड, वॉश्ड सैंड, सही है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे जो थर्ड नंबर होगा, चलिए इसको भी लिख रहे हैं। नाउ प्लेस अ थिन लेयर, नाउ अब आपने क्या करना, नाउ प्लेस रख दें, प्लेस द थिन लेयर, थिन लेयर ऑफ एसिड वॉश्ड सैंड, एसिड वॉश्ड सैंड, वॉश्ड सैंड, किसके ऊपर एसिड वॉश सैंड रखनी है, एसिड वॉश सैंड ऑन द टॉप ऑफ कॉटन, ऑन द टॉप ऑफ कॉटन, कॉटन के बिल्कुल टॉप के ऊपर आपने ये वाली जो कॉटन प्लग यूज किया इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर रखनी है। अब इसके बाद आपने क्या करना, तो स्टेशनरी फेज को पुट करना है, किस चीज को पुट करना है, स्टेशनरी फेज को यहां पे पुट करना है। अब स्टेशनरी फेज को पुट करने का दो तरीका कार है, स्टेशनरी, स्टेशनरी फेज को यहां पे हमने पुट करना चाहते हैं, ये होती है अमूमन पाउडर की फॉर्म में, ये याद रखिए या पाउडर की फॉर्म में होती है या फिर इसको अगर वाटर के अंदर हल कर लेंगे ये फिर थोड़ी सी स्लरी बन जाती है, पेस्ट बन जाता है। तो अब इसको इसी तरीके से दो तरीके का रहे हैं, आपने स्टेशनरी फेज को किस तरह पुट करना है। अब क्या करना है, थर्ड जो स्टेप होगा, पुट द स्टेशनरी फेज, पुट द स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, अब आपने स्टेशनरी फेज को पुट कर देना है इन द कॉलम, इन द कॉलम, कॉलम में स्टेशनरी फेज को पुट कर देना है। अब दो मेथड है, देर आर टू मेथड्स, देर आर टू मेथड्स, दो तरीका का आ रहे हैं, टू मेथड्स टू पुट, टू पुट द स्टेशनरी फेज, टू पुट द स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज को पुट करने के दो तरीका का आ रहे हैं, इन द कॉलम, इन द कॉलम। सबसे पहला तरीका का आ रहा है वो है वेट मेथड। पहला तरीकाकार क्या है, पहला है हमारे पास वेट मेथड या स्लरी फॉर्मेशन, वेट मेथड और या फिर इसको हम कहते हैं स्लरी फॉर्मेशन, और स्लरी फॉर्मेशन। अब स्लरी बना के, स्लरी, अब ये वाला तरीकाकार जो है हमारे पास वेट मेथड और स्लरी, इसमें करना क्या होता है, आपके पास स्टेशनरी फेज होगी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, जैसा रेत नहीं होती सेम इसी तरह होती है, जैसे चिकनी मिट्टी होती है सेम इसी तरह होगी। आपने स्टेशनरी फेज को लेना है, अब इसको तरीकेकार समझ लें, आपने स्टेशनरी फेज ले लेनी है एक बेकर में, एक बेकर के अंदर आपने स्टेशनरी फेज ले लेनी। मैं कहता हूँ जी सपोज किया मैंने 100 ग्राम, कितनी ले ली, 100 ग्राम सिलिका जेल ले लिया, सिलिका जल ले लिया। अब सिलिका जल ले के मैंने इसके अंदर डालना है वाटर, कौन सी डालनी है, वाटर को डालना है, वाटर ऑलमोस्ट आप इसके अंदर डालना है 250 ml, 250 ml वाटर डालें, वाटर डाल के, वाटर डालें या कोई भी सॉल्वेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है, वाटर और सॉल्वेंट, वाटर और सॉल्वेंट भी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने वाटर डाल के इसके अंदर इसको एक पेस्ट बना लेना होता है, कौन सी चीज बनानी है, इसका एक पेस्ट बन जाएगा, थिक पेस्ट। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसी चीज को लेना है, लेके उसके अंदर ड्रॉप कर देना है, सारे को सारा भर देना है। ये वाला जो पेस्ट हमारे पास बन गया है, एक स्लरी बन गई, इसको स्लरी कहते हैं, स्लरी याद रखिएगा, अगर आप सीमेंट लेते हैं, सीमेंट और रेत को मिला के उसके अंदर पानी डाल के ना एक पतला सा सोल्यूशन बना लें, उसको स्लरी का नाम दे रहे होते हैं। अब यह जो हमारे पास स्लरी बनी है जिसमें सिलिका जेल है, वाटर है, इसको आप ऊपर से गिराएं, गिराने के बाद आपके पास यहाँ पे आके जमा होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ तक इसको ऑलमोस्ट फिल कर दें। ये क्या कर दें, इस चीज़ को आप इस कॉलम के अंदर ड्रॉप करें, ड्रॉप करने के बाद यहाँ तक आप इसको फिल कर दें और ये हमारे पास कॉलम की पैकिंग हो जाएगी। किस तरीके से, बाय वेट मेथड या फिर स्लरी फॉर्मेशन के थ्रू, स्लरी फॉर्मेशन के थ्रू। सही, यहाँ पे जब पुट करते हैं तो यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, वो कीफ रख लेते हैं ताकि ये जो चीज़ है ये बाहर ज़ाया ना हो, यहाँ पे कीफ रख लेते हैं, ये भाई याद रखिएगा, इसको फनल का नाम देते हैं, फनल, एक फनल रख दें ताकि ये हमारे पास बाहर की तरफ ज़ाया ना हो।
ये तो थे हमारे पास वेट मेथड, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। वेट मेथड में आपने क्या करना था, स्टेशनरी फेज जो स्टेशनरी फेज है इसको क्या करना है, स्टेशनरी फेज इज एडेड, इसको आपने ऐड कर देना, इज एडेड इन द वाटर पानी में इसको हल कर लेना, ऐड कर लेना है, एंड फॉर्म अ थिक पेस्ट एक थिक पेस्ट बना देना होता है, थिक पेस्ट कॉल्ड स्लरी, जिसको हम नाम देते हैं स्लरी में, जिसको हम नाम दे होते हैं स्लरी का। स्लरी असल में थिक पेस्ट होता है किसी भी सॉलिड चीज़ का वाटर के अंदर, तो इस चीज़ को हम नाम देंगे स्लरी, एंड इट इज पुट, इसको हम रख देना है, पुट कर देना है, पुट इनटू द कॉलम, इसको कॉलम में पुट कर देना है, एंड वाइब्रेट द कॉलम। अब आपने कॉलम को क्या करते रहना, वाइब्रेट करते रहना है कॉलम, एंड अ यूनिफॉर्म पैकिंग इज ऑब्टेन, एक यूनिफॉर्म पैकिंग हमारे पास हासिल हो जाएगी, ऑब्टेन। और ये मेथड अमूमन ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है बनिस्बत ड्राई मेथड से, ये वेट मेथड जो है जिसमें हम पानी के अंदर सलरी वगैरह डाल के इसके अंदर डाल रहे होते हैं, ये ज़्यादा प्रीफरेबल है। दिस मेथड इज़ मोर प्रीफरेबल देन द ड्राई पैकिंग, दिस मेथड, ये जो तरीकाकार है वेट मेथड वाला, इज़ मोर प्रीफरेबल, ये ज़्यादा प्रीफरेबल है एज़ कंपेयर टू ड्राई पैकिंग की निस्बत ज़्यादा प्रीफरेबल है। सही, अब ड्राई पैकिंग में क्या करते हैं हम, ड्राई पैकिंग में कोई काम नहीं करना होता, आपने डायरेक्ट कॉलम लेना है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड जो चीज़ आ जाती है वो हो जाती है ड्राई पैकिंग, यहाँ पे लिख लें, अब ड्राई पैकिंग में क्या काम करना होता है ये चीज़ याद रखिएगा, ड्राई पैकिंग में सिंपल सा काम है, हालांकि वेट पैकिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्या करना होता है इसमें सलरी बनानी होती है, सलरी बना के फिर आप सारे का सारा काम यूज़ कर देते हैं, लेकिन ड्राई पैकिंग में आप सलरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, आपने जैसा कॉलम तैयार किया था ना, मैं यहाँ पे एक और तैयार कर लेता हूँ, तो ये मैंने कॉलम तैयार किया था ड्राई पैकिंग करने के लिए, अब इसमें आपने डायरेक्ट, ये मेरे पास कॉलम है, यहाँ पर मैंने एक टैप लगा रखा हुआ है, तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉटन प्लग प्लेस करना है ताकि जो आप ऊपर स्टेशनरी फेज इस्तेमाल करें वो नीचे की तरफ ना आए, और यहाँ मैंने थोड़ी सी सैंड की एक लेयर बारीक सी चढ़ा रखी है ऊपर से लेवल को बराबर करने के लिए। और अब ड्राई पैकिंग में आपने क्या करना था, वो स्टेशनरी फेज लेनी थी, और जिस तरह वो स्टेशनरी फेज रेत की फॉर्म में होगी ना, वैसे की वैसे डाल देनी है, कोई चेंजिंग ही नहीं करनी, वैसे की वैसे ही स्टेशनरी फेज का इस्तेमाल करेंगे। आपने क्या करना है, इसके अंदर वैसे का वैसे ही वो सॉलिड फॉर्म में खुश्क, इसलिए हम इसको नाम देते हैं ड्राई, ड्राई का मतलब होता है खुश्क, यानी कि इसमें हम कोई भी लिक्विड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, इसमें पहले नंबर पर तो क्रैक्स रह जाते हैं, क्रैक रहने की वजह से आपका सॉल्वेंट बाज़ दफ़ा कुछ जगहों से जल्दी नीचे आ जाता है, क्रैक रहने की वजह से सॉल्वेंट बाज़ दफ़ा नीचे जल्दी मूव कर जाता है, ये ज़्यादा डिसएडवांटेज इसके, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये ज़्यादा प्रीफर की जाती है, इसे मैंने यहाँ पे वर्ड एक लिखा है, दिस मेथड इज़ मोर प्रीफरेबल देन द ड्राई पैकिंग, ड्राई पैकिंग की निस्बत ये वेट पैकिंग ज़्यादा प्रीफरेबल की जाती है, ज़्यादा प्रीफर की जाती है, ये बात सिंपल से याद रखिएगा। अब ड्राई पैकिंग में आपने करना क्या होता है, पहले ये बात लिख रहे हैं, ड्राई पैकिंग द स्टेशनरी फेस इज प्लेस्ड इन द कॉलम इन सॉलिड फॉर्म। अब आपने क्या करना है, इसको किसी भी लिक्विड के अंदर प्लेस नहीं करना होता,
सही। अब इसको पैक करते वक्त चंद एक चीजों का ध्यान रखना होता है। सही है, ड्यूरिंग पैकिंग आपने इसको हिलाते रहना होता है, इसको टैप करते रहना होता है। टैप करने का मतलब क्या, कॉलम ले इसको इस तरह हाथ से इस तरह करते रहें, जिसकी वजह से आपकी रेत बिल्कुल फिक्स आती रहेगी, एक अच्छी पैकिंग आ जाएगी। ड्यूरिंग पैकिंग द कॉलम इज कंटिन्यूसली टैप्ड, द कॉलम इज कंटिन्यूसली टैप और वाइब्रेट, या फिर इसको कह लेंगे वाइब्रेट करते रहना चाहिए, इसको हिलाते रहना चाहिए, वाइब्रेट RATE, इसको लगातार आपको हिलाते रहना होगा अगर आप इसमें ड्राई पैकिंग करना चाहते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस याद रखिएगा, इसमें एयर बबल्स बन सकते हैं। डिसएडवांटेजेस सही है, हमारे पास चंद एक डिसएडवांटेजेस हैं। क्या, पहले नंबर पे एयर बबल फॉर्मेशन हो सकती है। इन दिस मेथड एयर बबल फॉर्म्ड या इन दिस पैकिंग PACKING दिस पैकिंग काज एयर बबल फॉर्मेशन, काज एयर बबल फॉर्मेशन, ये एयर बबल फॉर्मेशन की वजह बन सकती है। एयर बबल फॉर्मेशन क्या होता है कि बाद में जब आप ऊपर से लिक्विड डालेंगे, लिक्विड डालने के बाद वहाँ पे थोड़े थोड़े बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे लिक्विड के, ये इस वजह बन सकती है। लेकिन यहाँ पे वो एयर बबल फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ये पहले ही बैठा है। लेकिन आप ये बाद दफ़ा होता है कि किसी खुश्क जगह पे पानी जाए ना, वहाँ पे थोड़े थोड़े बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं। ये वाला काम आपके पास जो सेपरेशन करेगा मिक्सर की, वो थोड़ी सी यानी कि रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होगी, अच्छी सेपरेशन नहीं कर पाएगा। इसके बाद दफ़ा होता है कि क्रैक बन जाते हैं। क्रैक क्या होता है कि ये आपकी यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे ना स्टेशनरी फेज खाली रह जाती है, क्योंकि हमने सॉलिड फॉर्म में इस तरह ये थोड़ी सी जगह पे स्टेशनरी फेज आएगी नहीं, इसी को हम नाम देते हैं क्रैक का। इसको हम क्या नाम देंगे, क्रैक का नाम दे रहे होते हैं। सो इस मेथड में मे भी ये हो कि आपके क्रैक बन जाए। इस मेथड में या इस तरीके कार में मे बी क्रैक फॉर्म्ड, मे बी क्रैक्ड फॉर्म, शायद क्रैक भी बन सकते हैं। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। अब ये थे हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद एक और भी काम करना पड़ता है, जब आपने ये स्टेशनरी फेस प्लेस कर लेते हैं तो इसके ऊपर फिर एक लेयर सैंड की प्लेस करनी पड़ती है। किसकी प्लेस करनी पड़ती है, इसके ऊपर मजीद एक लेयर और सैंड की डालनी पड़ती है। किस चीज़ की डालनी पड़ेगी, सैंड की, ये भी याद रखिएगा। एंड एट द टॉप ऑफ स्टेशनरी फेस, एट द टॉप ऑफ द स्टेशनरी, टॉप ऑफ द स्टेशनरी फेस, स्टेशनरी फेस के बिल्कुल ऊपर, स्टेशनरी फेस के बिल्कुल ऊपर आ लेयर ऑफ सॉइल या फिर सैंड इज प्लेस। अच्छा, ये जो सॉइल या सैंड होगी, ये याद रखिएगा, ये वो सैंड होती है जो कि एसिड वॉश्ड होती है, इसमें इम्प्योरिटीज़ ना होने के बराबर होती है। अब इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो ये है कि सबसे पहले जब आप अपने कॉलम का की पैकिंग करनी है, इसको तैयार करना है, तो आपने सबसे पहले कॉलम को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने एक कॉटन का प्लग लेना है, उसको बिल्कुल इसके नीचे रखना है यहाँ पे, और उसके बाद आपने छोटी सी एसिड वॉश सैंड की लेयर बिछानी है इसके ऊपर। इसके ऊपर आपने स्टेशनरी फेज को प्लेस करना है। स्टेशनरी फेज को प्लेस करने के दो तरीका का आ रहे हैं, एक हमारे पास वेट पैकिंग, एक है ड्राई पैकिंग, वेट मेथड ड्राई मेथड भी कह सकते हैं, वेट पैकिंग और ड्राई पैकिंग। वेट पैकिंग ज़्यादा प्रीफर की जाती है, इसमें हम क्या कहते हैं स्टेशनरी फेज को किसी भी लिक्विड के अंदर डिजोल्व करके इसके ऊपर डाल देते हैं और हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। और ड्राई पैकिंग में क्या होता है कि आप स्टेशनरी फेज जो होती है वो इसमें कोई भी लिक्विड डिजोल्व नहीं करते, सेम एज इट उसको उठाते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है। इस ड्राई पैकिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, कहता है कि आपके जो मोबाइल फेजेस के बबल्स बन सकते हैं, और इसके अलावा आपके ये जो रेत वगैरह या सैंड वगैरह जो भी इस्तेमाल की होगी स्टेशन फेज के तौर पे, वहाँ पे क्रैक फॉर्मेशन हो सकती है। क्रैक फॉर्मेशन का डिसएडवांटेज ये होता है कि जहाँ पे क्रैक होता है वहाँ से लिक्विड आसानी से नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद ही नहीं होती। और लास्ट में जो चीज़ काम करना होता है कि आपने स्टेशन फेज डालने के बाद ऊपर एक और लेयर सैंड के डालनी पड़ती है। ये था जी हमारे पास पैकिंग ऑफ कॉलम
अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका।